हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को भाग करना सिखाएंगे और आज के बाद आप भाग करना बहुत सिंपल तरीका से सीख जाएंगे कि आज के बाद आप किसी भी संख्या में जैसे 10 हुआ, 10,000, 10 लाख का भाग देना हो तो आप 2 से 3 सेकंड में भाग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको पहले आप सीख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप जैसे होता है 4, 2, 5, इसमें आप किसी संख्या यानी कि यहाँ पे आप 10 लिखा है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें आपको करना क्या रहता है कि आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड यानी कि दाएं से बाएं यानी कि दाएं से बाएं की तरफ जितने जीरो होते हैं उतने अंक खिसका के आप दशमलव बस लगा दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपको क्या है, जीरो है, तो जीरो से क्या करेंगे, खिसकाएंगे इधर, और जैसे एक जीरो है तो एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, दो अंक होगा तो दो अंक पे दशमलव। तो इसको इसी तरह उतारिए संख्या को, 425 लिखा है तो 425 लिखिए, एक जीरो है तो यहाँ पे एक दशमलव लगा दीजिए। देखिए आपको कितना सिंपल तरीके से आप भाग कर ले जाएंगे, बस आपको दशमलव लगाना आना चाहिए। तो आप यदि दशमलव लगाना, जैसे देख लीजिए, जैसे एक जीरो था तो एक अंक पे लगाए हैं, जैसे 3, 2, 1, 5 है और इसके नीचे मान लीजिए 1000 लिखा है, तो पहले आप अंश वाली संख्या को यहाँ पर उतारिए, 3, 2, 1, 5 को उतारिए, कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, तो आप दाएं से बाएं की तरफ 3 अंक खिसका के दशमलव लगा दीजिए। देखिए 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 यहाँ पे आप दशमलव लगा दीजिए, दशमलव लगा देंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आपको यहाँ पर आप भाग बताते हैं। तो ये आपके सामने संख्या दिया है कि 245 भागे 10 यानी कि 10 का भाग 245 में देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले देखिए क्या करना है, 245 आप इसको अंश में लिखिए, 245 और बटा के 10 लिखिए, यानी इधर की संख्या अंश में होती है, इस संख्या यानी 245 में 10 का भाग देना है तो इसको इस तरह लिखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको बताए हैं कि आप दाएं से बाएं की तरफ यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यदि एक जीरो है तो एक अंक खिसकेंगे, दो जीरो है तो दो अंक खिसकेंगे। देखिए यहाँ पे 245 अंश वाला संख्या को उतारिए, कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो इधर से एक संख्या यानी कि इधर से एक संख्या खिसका के आप जीरो लगा दें, ये यहाँ पे आप दशमलव लगाएंगे, ये आपका भाग कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, यही आपका आंसर हुआ। यदि आपको यकीन ना होगा तो आपको भाग करके 245 में हम भाग करके दिखाते हैं कि आप 10 का भाग दीजिए, 245 में भाग दीजिए, देखिए कब बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 20, तो ये 4 बच्चा कट गया, ये 5 होगा, 10 का भाग देंगे 4 बार जाएगा तो ये हो गया 40, यहाँ बचा 5, ये कट गया। आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भाग नहीं जाता तो आपको पता होगा कि यहाँ पे दशमलव लगा के यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देते हैं, 10 5 50। देखिए आप कैसे, कितना आ गया, 245। इतना आपको करना नहीं है, ठीक है, आपको इतना नहीं करना है, जैसे बता रहे हैं वैसे उसी तरह सिंपल तरीका से आप सीखिए, बहुत सिंपल तरीका से भाग करेंगे। अब देखिए, अब इसी तरह इसको उतारिए, 56 भागे 100। देखिए आप अंक 1, 2, 0 है तो यहाँ से दो अंक छोड़ दीजिएगा, पहले इस संख्या को उतार लीजिए यानी 3456, कंक 0, 1, 2 तो इधर से 1, 1, 2 अंक छोड़ दीजिए, ये आपका दशमलव यहाँ पर लगाएंगे, ये आपका आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट वाले को करते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56721 में 1000 का भाग देना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या करना है कि पहले अंश वाली संख्या को यहाँ पे उतारिए, 1, 2, 3 को जीरो है तो यहाँ से 3 अंक छोड़ दीजिए, 1, 2, 3 यानी कि यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, आपका भाग ये कंप्लीट हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको भी सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पर लिखते हैं, एक क्वेश्चन आपको देंगे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले संख्या को उतार लीजिए, 721 अपान कितना है, 1, 5 0 है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5 उतारिए। अब देखिए, अब इसका चुटकी हम भाग देंगे, पहले इसको अंश वाली संख्या को यहाँ पर लिखिए, 3, 4, 5, 6,
एक। देखिए क जीरो है, एक दो तीन चार पाँच जीरो है, तो यहाँ से आप पाँच अंक बाएँ खिसक जाइए, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ये आपका आंसर हो गया। देखिए फ्रेंड्स कितने सिंपल तरीक़ा से आप भाग करना सीख गए होंगे। तो आपको यहाँ पे 1 लाख हो, 2 लाख हो या 4 लाख, यानी कि लाख में इसे भाग देना है, तो आप सिंपल तरीक़ा से इसी तरह आप भाग दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीक़ा से आप जिस तरह बताएं उसी तरह आंसर इसका आप बताइएगा। भाग है, आप ऐसा कीजिए कि 10 लाख का भाग दीजिए, कायदा है 10 लाख का भाग दे के इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि ये आपको ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।